वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अंश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो आपको एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर और एज ए हेल्थ एजुकेटर आपको जाननी चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं जितने भी सब्सक्राइबर अभी हैं चैनल पर मेरे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सेशन को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, कि उनको भी जो है जिन्होंने हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कर रखा है उनको फ़ायदा पहुंचे, ठीक है, क्योंकि स्टडी मटेरियल बहुत ही कम मिल पाती है कैंडिडेट को, जो बहुत ही चिंता का विषय है ना, कि आखिर कैसे स्टडी मटेरियल जो है अधिक से अधिक प्रोवाइड कराया जाए कैंडिडेट को। उसके तहत ही मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ और एक से एक टॉपिक के बारे में डील कर रहा हूँ। साथ ही साथ संपूर्ण भारत से जो भी पैरामेडिकल का मोस्ट पॉपुलर पोस्ट हो, चाहे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, स्टाफ नर्स हो, ठीक है, रेडियोग्राफर हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, जो भी हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, जितने भी हो इंपॉर्टेंट पोस्ट जो भी पैरामेडिकल की है, उसका मैं लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको जानकारी भी दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उसी के तहत आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो पेडियाट्रिक के लिए है, बच्चों के लिए है, और आपको एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर ये जाननी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं निमोनिया एवं दस्त प्रबंधन की, ठीक है, निमोनिया एवं दस्त प्रबंधन की। और इसको कैसे हम लोग जानेंगे, तो पहले जानेंगे इसका रोकथाम के बारे में, दूसरा जानेंगे बचाव के बारे में, और तीसरा जानेंगे उपचार के बारे में, ठीक है। मतलब निमोनिया एवं दस्त प्रबंधन को 3 स्टेप से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में प्रिवेंट, सेकंड स्टेप में जो है प्रोटेक्ट बचाव, और थर्ड स्टेप जो है उपचार ट्रीट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जो बहुत इसका जो एक एक पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इसे अच्छी तरह से समझें और इसे देखें, ठीक है। तो इसमें कहता है कि निमोनिया एवं डायरिया से होने वाली बीमारी, ठीक है, निमोनिया एवं डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हमें 3 चरणों पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर निमोनिया एवं डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर में अगर हम लोग को कमी लाना है तो हमें क्या करना होगा, 3 चरणों पर विशेष ध्यान होगा। आप सोचिएगा सर, इस टाइप का आप सोच रहे होंगे कि सर आप इस टाइप का टॉपिक क्यों बना रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप जॉब में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो इस सेशन को पूरे देखें अच्छे से और समझें। तो देखिए इसमें कह रहा है कि निमोनिया एवं डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हमें 3 चरणों पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या क्या, तो फर्स्ट स्टेप है रोकथाम, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रिवेंट। कैसे भाई, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है कि अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देकर जो है हम लोग जो है इसका रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण जो कि शिशुओं में 6 माह तक केवल स्तनपान को, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, स्तनपान को बढ़ावा देना, ठीक है। शिशुओं में जो बच्चों में जो है 6 माह तक केवल स्तनपान को, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। तीसरा जिसमें क्या महत्वपूर्ण है कि साल में दो बार विटामिन ए की खुराक देना, साल में दो बार जो है विटामिन ए की खुराक देना। और चौथा क्या महत्वपूर्ण है कि पर्याप्त संपूरक आहार को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में है कि रोकथाम प्रिवेंट, इसमें पहला क्या है कि अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना, दूसरा है शिशुओं में 6 माह तक केवल स्तनपान, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना, साल में दो बार विटामिन ए की खुराक देना, और चौथा जो है पर्याप्त संपूरक आहार को बढ़ावा देना। तो हम लोग जान रहे हैं निमोनिया एवं दस्त प्रबंधन, रोकथाम बचाव उपचार के बारे में, ठीक है। इसमें जो है हम लोग निमोनिया एवं डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हमें 3 चरणों पर विशेष ध्यान देना होगा। उसी में हम लोग पहला स्टेप देख रहे हैं क्या कि रोकथाम का, जिसका इंग्लिश में जिसे हम लोग प्रिवेंट बोलेंगे, और इसमें पहला स्टेप है अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना, दूसरा है शिशुओं में 6 माह तक केवल स्तनपान को बढ़ावा देना, तीसरा इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि साल में दो बार विटामिन ए की खुराक देना, ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि पर्याप्त संपूरक आहार को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखें स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में क्या है, बचाव, प्रोटेक्ट जिसको बोलेंगे। कैसे हम लोग करें, तो सबसे पहले है कि बच्चों को डायरिया एवं निमोनिया से बचाने के लिए टीकाकरण, एचआईवी की रोकथाम एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना। निश्चित रूप से
कैसे बचाव करें, कैसे प्रोटेक्ट करें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पहला है कि बच्चों को डायरिया एवं निमोनिया से बचाने के लिए टीकाकरण, एचआईवी की रोकथाम एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने के व्यवहार को विकसित करना, ठीक है। साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने के व्यवहार को विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कैंडिडेट, जिसे आपको जानना चाहिए एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर, ठीक है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना एवं स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझना होगा, ठीक है। आगे चौथा पॉइंट क्या है इसमें कि पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, पूर्ण टीकाकरण को, ठीक है, टोटल इम्यूनाइजेशन जिसे बोलते हैं उसको बढ़ावा देना, विशेष रूप से किसके लिए, काली खांसी के लिए, ठीक है, खसरा के लिए, रोटा वायरस के लिए, ठीक है, आदि बीमारियों से बचाव करना, ठीक है। तो पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देकर जो है हम लोग इसको अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं दस्त एवं निमोनिया पे। आगे देखिए स्टेप थर्ड में हम लोग जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है उपचार, ट्रीट कैसे करें। तो इसमें जो है पहला है कि उपचार के लिए सहायता को बढ़ावा देना, ठीक है, उपचार के लिए सहायता को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट है कि ग्रसित बच्चों को भोजन जारी रखना, ग्रसित बच्चों का भोजन जो है जारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड क्या है, एंटीबायोटिक एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है, एंटीबायोटिक एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। चौथा इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ORS, जिंक एवं अमोक्सिलिन, ठीक है, कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम लोग को जानना चाहिए। तो हम लोग ने जाना किया, अगर इसको फाइनलाइज करें सेशन को, अगर इसको फाइनल टच हम लोग दें, तो हम लोग बात करने आज निमोनिया एवं दस्त प्रबंधन रोकथाम बचाव उपचार जो एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर हमको जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग जानना है कि निमोनिया एवं डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हमें तीन चरणों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला स्टेप क्या है, रोकथाम पर, प्रिवेंट पे, उसमें क्या कहता है कि अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है कि शिशुओं में 6 माह तक केवल स्तनपान जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं को बढ़ावा देना। तीसरा है कि साल में 2 बार विटामिन ए की खुराक देना, ठीक है। चौथा है कि पर्याप्त संपूरक आहार को बढ़ावा देना, ठीक। आगे स्टेप टू में हमने जाना बचाव प्रोटेक्ट के बारे में कि बच्चों को डायरिया एवं निमोनिया से बचाने के लिए टीकाकरण, एचआईवी की रोकथाम एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा क्या है, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने के व्यवहार को विकसित करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जाना कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना एवं स्वच्छता पर ध्यान देना, ठीक है। चौथा है कि पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना, विशेष रूप से काली खांसी, खसरा, रोटा वायरस आदि बीमारी से बचाव करना। अगर तीसरा स्टेप की हम लोग बात करें तो तीसरा स्टेप में हम लोग जाना उपचार ट्रीट के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है कि उपचार के लिए सहायता को बढ़ावा देना। दूसरा है ग्रसित बच्चों को भोजन जारी रखना। तीसरा है एंटीबायोटिक एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि ORS, जिंक एवं एमोक्सिलिन की प्रत्येक स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इस तरह से फ्रेंड जो है हम लोग जो है निमोनिया से बचाव एवं प्रबंधन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जो कि बहुत है निमोनिया एवं दस्त प्रबंधन वो कैसे हम लोग को बेस्ट करें, ठीक है। आगे भी इस तरह का जो है सेशन में लेकर आऊँगा, आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।